Hello Cancer, welcome to my channel Imrama Tarot. My name is Dipali. Thank you so much to everyone मेरे channel को subscribe करने के लिए, videos like करने के लिए, share करने के लिए, comment करके मुझे बताने के लिए आपको क्या अच्छा लगा, क्या resonate किया, feedback देने के लिए. Thank you so much for being a part of my Imrama family. This really means a lot, okay? So आज की ये general reading is for the next 10 days starting from 26th of May to 5th of June, okay? ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ रेजोनेट करे उसे आप ध्यान में रखें, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसको आप ध्यान में ना रखें. किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में फिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. लेट्स सी यूनिवर्स के पास क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए फॉर द नेक्स्ट 10 डेज. ओके तो कैंसर आपकी एनर्जी के लिए मेरे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड वुमन. कैंसर आई फील यहाँ पे ना आप बहुत ही मेंटली रेस्टलेस हो अभी इस टाइम पे. कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है जिस वजह से आप बहुत बहुत फंसे हुए हो आप कहीं पे. आप उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचे चले जा रहे हो. आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो बट कहीं पे आप स्टक हो, ठीक है. ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो आपके आसपास है जो आपकी बहुत ही आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, या तो आप उसके बारे में गॉसिप कर रहे हो. सी, जब मैं बोलती हूँ गॉसिप, तो गॉसिप का मतलब ये नहीं है कि आपके पहनावे के बारे में या आपके बोलने के बारे में या आपके काम के बारे में या आपके पर्सनल लाइफ के बारे में ही सिर्फ लोग बात कर रहे हैं जैसे कि टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है गॉसिप. गॉसिप वो नहीं होता. जब आप किसी और के बारे में बात कर रहे होते हो उसके एब्सेंस में, वो गॉसिप होता है. आप चाहे किसी भी सेंस में बात कर रहे हो, वो गॉसिप होता है, ठीक है. तो मेरे ख्याल से कोई और आपके एब्सेंस में आपके बारे में बात कर रहा है या आप किसी और के एब्सेंस में उनके बारे में बात कर रहे हो, बट आप किसी थर्ड पर्सन को डिस्कस कर रहे हो, या आप थर्ड पर्सन हो और आपके बारे में कोई डिस्कशन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका माइंड बहुत रेस्टलेस है. तो हो सकता है आप ये गॉसिप कर रहे हो किसी एक इंसान को लेकर जो कि आपकी लाइफ में थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सिग्निफिकेंट है, और आप शायद उसको लेकर डिस्कशन कर रहे हो क्योंकि आपका जो स्टक एनर्जी है ना वो यहाँ पर भी है. हैंग्ड वुमन है हमारे पास, तो आप कहीं फंसे हुए हो, आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए कि ये कब होगी, ये होगी कि नहीं होगी, और उस चीज़ में ना आप बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हो. और आपकी एंग्जाइटी तो नहीं बोलूँगी मैं, बट एक वो स्ट्रेस का वो होता है ना माहौल सा, वो बन गया है आपके आसपास. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आपका बहुत ही, या तो आप कोई चैरिटी कर रहे हो या आप चैरिटी में ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हो. आप गरीबों को खाना खिलाते हो, आप कहीं पे डोनेट करते हो, या आप बहुत जेनरस हो. ये आपके बारे में बता रहा है कि आप बहुत जेनरस हो. हो सकता है आप मेडिटेशन में भी बिलीव करते हो, बिलीव नहीं मतलब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, आप योगा करते हो, बट आपका ये जो एक रहने का तरीका है, एक पीसफुल ऑरा है आपका, पर्सनालिटी है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली. हो सकता है आप किसी को पैसे से हेल्प करते हो, हो सकता है आपके घर में हाउस हेल्प हो, आप उन्हीं को हेल्प करते हो, बट ये जो आपका है ना, ये थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लग रहा है ओवर पावर हो रहा है आपके ये हैंग वुमेन और प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से. क्योंकि या तो आपकी लाइफ में कोई स्वॉर्ड्स है यहाँ पे हमारे पास, तो या तो कोई एयर साइन है आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा सा वेट करा रहा है या करा रही है किसी चीज़ की वजह से. वही चीज़ आपको एंग्जाइटी दे रही है, उसका उस चीज़ के इंतज़ार में ही आप इतने खो से गए हो कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, आप इतने स्टक हो. अब हैंग वुमन है हमारे पास, हैंग मैन
हैंग्ड वुमेन, वुमेन मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. अब ये है वाटर साइन. तो पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, ये आपकी एनर्जी है अभी इस टाइम पे. कैंसर किसी इंसान ने ना आपको बिल्कुल ब्रिंक पे लाके छोड़ा हुआ है, बिल्कुल कोने में ला के वेट करा के, अच्छा करता हूँ अच्छा करता हूँ अच्छा करता हूँ अच्छा करता हूँ, और बस वहीं पे छोड़ दिया. और आप वेट कर रहे हो, और आप वेट करे चले जा रहे हो, और आप लोगों से डिस्कस कर रहे हो कि ये कब होगा ये कब होगा. बट ये एनर्जी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी ये इंसान है, अगर ये बहुत क्लोज इंसान है आपके, तो ये ऐसा करना नहीं चाहिए उनको, इतना वेट नहीं कराना चाहिए. बट देखते हैं आगे क्या एनर्जी आती है यूनिवर्स की तरफ से. ये टी लीफ फॉर्चून डेक है, अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है. ये मैंने ऑलरेडी शफल करे हुए हैं जब मैं मेडिटेट करती हूँ, तो इसलिए मैं इनको दोबारा शफल नहीं करती. ऑल्सो ये 200 कार्ड्स हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल जाता है ऑन कैमरा 200 कार्ड्स को नीटली शफल करना. सो प्लीज़ थोड़ा सा मेरा भी समझिए आप. अभी देखते हैं कैंसर के लिए यूनिवर्स के पास क्या गाइडेंस है. वी विक्ट्री इन सम एंडेवर. ओके कैंसर, आप जो भी ये जिस चीज़ में फंसे हुए हो ना, आप इस चीज़ से बाहर निकलने वाले हो. आप फिक्र मत करो, इस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, अभी नहीं तो थोड़े टाइम में. नॉट इन द नेक्स्ट 10 डेज, देन प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 15-20 डेज, 1 मंथ, बट आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे. हमें विक्ट्री दिखाई दे रही है, आपकी जीत कहते हैं ना, जीत होगी. ठीक है, हो सकता है ये जो इंसान आपको इस चीज़ में स्टक रखा हुआ है, इसका नाम वी से स्टार्ट हो सकता है. कैंसर शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. कैंसर, हमारे पास यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स में भी एक तलवार है. ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास सोर्ड्स है, एक तलवार है. तो मेरे ख्याल से आपको ना, जो यूनिवर्स मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, आपको बहुत ज़रूरत है अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना है, बट अपने आपको ना प्रिपेयर रखना है कि आगे क्या होने वाला है. यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. आपको पता है कि दूसरा इंसान आप पे हमला करने ही वाला है. हमला किसी भी सेंस में हो सकता है, मे बी इंसान दूसरा एक कमबैक दे आपको, कुछ बोले, हर्टफुल बोले, कुछ उसका एक्शन ऐसा हो, तो आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ आने वाली है. और आपकी जो मेंटल रेस्टलेसनेस है, उससे मुझे पता लग रहा है कि आपको पता है. ठीक है, तो जब आपको पता है तो आप प्रिपेयर रहो पहले, इंस्टेड कि बाद में आप रोते रहो, सल्क करते रहो कि हाय मेरे संग ऐसे हो गया, हाय मेरे संग ऐसा हो गया. आप जब हो जाएगी चीज़ तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कुछ नहीं कर सकते ना. तो उससे पहले आप प्रिपेयर्ड रहो कि अच्छा ये चीज़ आने वाली है, मुझे पता तो नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे होगा क्या होगा, बट मैं 2-3 चीज़ें तैयार रखती हूँ. ठीक है, उस सेंस में यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. प्रिपेयर रहो अपनी प्रोटेक्शन के लिए. आपके प्रोटेक्शन वैसे भी कोई और नहीं करेगा, आप खुद करोगे. क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ. आई थिंक आपकी जो लाइफ है ना कैंसर, ये बहुत डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली, इमोशनली और मेंटली. क्योंकि देखिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास है, जिसमें बिल्कुल पीसफुल एनर्जी है. पेंटिकल्स मनी, मटीरियल वेल्थ, वो ठीक है, आपका बैलेंस्ड है पूरा. सोर्ड्स दिमाग, हैंग्ड वुमेन कप्स इमोशन, वो स्टक है. तो आपका जो दिमाग है और आपके जो इमोशंस हैं, वो आपके इस इंसान में फंसे हुए हैं. उन दो चीज़ों के लिए आप इस इंसान पे डिपेंडेंट हो, और इसीलिए आप अपनी लाइफ से, खुद से इतने डिससेटिस्फाइड हो, क्योंकि आप इमोशनली और मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं हो. आप खुद से खुश नहीं हो, आपकी खुशी इस इंसान से है. देखते हैं एस्ट्रल हाउस में हमारे पास क्या है फॉर कैंसर. वेल्थ कैंसर, वो अभी मैंने आपको बताया, आपके पास मटेरियल वेल्थ है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की आपकी कोई कमी नहीं है. इनफैक्ट पैसा आपको और आने वाला है.
पैसा आपको और आएगा, आता चला जाएगा, बट आपके फिर भी अंदर वो एक वो वॉइड होता है ना, एक खोखलापन, एक अकेलापन, वो रहता है। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने आप को कंप्लीट नहीं करते हो। आप कंप्लीट करने के लिए बाहर दुनिया की तरफ देखते हो कि अच्छा तुम मेरे हस्बैंड, यू कंप्लीट मी, अच्छा तुम मेरी गर्लफ्रेंड, यू कंप्लीट मी। तो इसलिए आपका वो जो एक डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ है ना, वो इसलिए रहती है। लेट्स सी अभी कौन सा मंथ सिग्निफिकेंट होने वाला है। मंथ जून आने ही वाला है, आ ही गया इनफैक्ट। तो कैंसर यहाँ पे ना, आई फील ये जो स्टक एनर्जी है आपकी, ये जून में ख़त्म होने वाली है। ये जून में ख़त्म होएगी, इसलिए नहीं कि जिस वजह से ये हो रही है या जिस वो इंसान एकदम से इंटेलिजेंट बन जाएगा और वो समझ जाएगा कि ओ मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ कैंसर के साथ, नहीं। मेरे ख्याल से आप बहुत लकी होगे कि जब मैंने आपको बोला था ना डिफेंड करो, तो एक मूव वो प्ले कर रहे हैं, एक मूव आप प्ले कर रहे हो, तो आप इस बारी ऐसा मूव प्ले करोगे, इस तरीके से डिफेंड करोगे अपने आप को, एक वो लक, आपका लक और अपॉर्चुनिटी इतनी आपको साथ देगी ना कि ये इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा उसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि उसको बुद्धि आ गई एकदम से, उसको समझ आ गई कि अरे मैं तो बहुत बुरा कर रहा हूँ कैंसर के साथ, नहीं, मुझे उनको ऐसे वेट नहीं कराना चाहिए। नहीं, आप स्मार्टनेस के साथ प्ले करोगे, जिसके बाद उनको समझ ही नहीं आएगा दूसरी पार्टी को कि अब करना क्या है। तो वो स्टक एनर्जी आपकी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस इंसान के पास कुछ और बचेगा ही नहीं, वो वेट आपको और करवा ही नहीं सकेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? अब देखते हैं चार्म्स में हमारे पास क्या है। मुझे ये आवाज़ बहुत पसंद है, पायल जैसी आवाज़। यहाँ पे एक टेडी बेयर है, जो पांडाज होते हैं, और उसने अपनी बेबी को पीठ पे रखा हुआ है। तो कुआला बेयर होते हैं ना, एक्चुअली कुआला बेयर है ये। तो यहाँ पे हमें एक तो मदरली इंस्टिंक्ट आ रही है, जो आप जिस तरीके से सपोर्ट करते हो अपने पार्टनर को, अपने किड्स को। हो सकता है कि आपका बेबी आने वाला हो, ऑन द वे हो, क्योंकि यहाँ पे मदरली इंस्टिंक्ट आई है हमें। या हो सकता है कि जिस तरीके से आप में इतना मदरली इंस्टिंक्ट है अंदर से, कि आप अपने पार्टनर का भी इस तरीके से ध्यान रखते हो जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे का रखती है। आपका ध्यान रखने का तरीका ही वही है, बिल्कुल माँ की तरह प्रोटेक्टिव, एकदम एक्स्ट्रा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बताना, बिल्कुल निटिग्रिटीज़ में घुस के बताना कि कैसे क्या करना है। मेरे ख्याल से ये वो बताने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स। फेदर, ये एंजल का फेदर है एक। गाइज आई विश मैं आपको ये दिखा सकती, इट्स वेरी नाइस। दिख रहा है आपको ना? शायद दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई एक पुश आने वाला है, बिकॉज जून इज़ गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो एंजल का फेदर है और कार्ड, और ये जो जून मंथ है, इसमें आप देख रहे हो कैसे फेदर्स हैं अगर आपको दिख रहे हो तो, जो पंख है एंजल के, राइट? देखा आपने ना? और अब इस एंजल को देखो आप, इस फैदर को देखो आप, सिमिलैरिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक एंजल आपकी लाइफ में आने वाला है, आने वाली है, जो कि आपका इमोशनल सपोर्ट बनेगी। आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, आपको जो एक वो आप एक वल्नरेबल सिचुएशन में हो ना अभी, कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे निकलूँ, वो आपको उस सेंस में हेल्प करेंगे, आपको स्मार्टली प्ले करना बताएंगे। आई थिंक ये 3D वर्ल्ड में ही होने वाला है आपके पास, आपके साथ। कोई ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल रेल में होगा, ये 3D रेल में ही होगा आपके साथ। रैबिट, ओके। कैंसर, आपको एनिमल्स बहुत पसंद हैं,
क्योंकि यहाँ पे पहले हमें हमारे पास कोआला बेयर आया, फिर हमारे पास रैबिट आया, तो एक मेजर पॉइंट जो मुझे अभी ध्यान में आया है, कोआला बेयर के साथ जो मैंने आपको बताया सपोर्ट एक्स्ट्रा वो सब, उसके साथ एक चीज़ ये भी है, कोआला बेयर बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। तो हो सकता है यूनिवर्स ये भी बताने की कोशिश कर रहा हो कि चीज़ें अभी स्लो चल रही हैं, आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें मूव करेंगी, क्योंकि आगे जाके चीज़ें इतनी जल्दी चेंज होंगी, इतनी स्पीड से चेंज होंगी, रैबिट इतनी स्पीड से चीज़ें चेंज होंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ कब, क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जैसे रैबिट होता है ना, फुदक 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 इधर से उधर उधर से तक गायब, चीज़ें वैसे होंगी आपके लिए, आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो आपने स्मार्ट मूव प्ले करा उसके बाद हुआ क्या। फट 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 सब अपने आप, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। स्पून, ओके, अगेन गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई मेजर मेजर सपोर्ट सिस्टम आने वाला है। सी, खाना हम लोग हाथ से भी खा सकते हैं, बट जब आपको कोई काम नीटली करना होता है, कोई काम क्या मतलब खाने का काम, अगर आपको नीटली करना होता है, थोड़ा तरीके से करना होता है, थोड़ा स्मार्टली आपको करना होता है, नॉट दैट कि हाथ से खाने में कोई कम स्मार्ट हो जाता है, नहीं, बट स्टिल एक एक नॉर्म सा बन गया है, क्यों पता नहीं, वेस्टर्न कल्चर, बट फिर भी एक नीट लगता है। तो जब आपको कोई स्मार्टली और नीटली कोई मूव करना है, वो आई थिंक यूनिवर्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो एक ऐसा मूव होने वाला है जो बहुत नीट होने वाला है, बहुत नीट, बहुत स्मूथ, और वो आप ही करोगे, वो आप ही करोगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा उसके लिए, चीजें मैसी होने से बचाओगे आप। डॉग, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो ईदर यू आर एन एनिमल लवर और दिस पर्सन इज एन एनिमल लवर, या फिर कुछ आपका एनिमल से डेफिनेटली कनेक्शन है, डेफिनेटली, या तो आपको एनिमल्स के ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते होंगे, कुछ तो है यहाँ पर एनिमल्स का कनेक्शन। क्योंकि देखिए, या तो आपके पास डॉग है या रैबिट है, कोआला बेयर तो खैर क्या ही होगा, आई आई डाउट कोई कोआला बेयर एज अ पेट रखता है, बट या आप डॉग्स को फीड करते हो, या फिर आपकी लाइफ में लॉयल्टी जो है ना वो एक मेजर इशू रहा है, या तो बहुत अच्छी चीज़ रही है कि आपको लॉयल्टी से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, फ्रेंड्स पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉस कॉलीग्स टीम मेंबर्स, कभी किसी से लॉयल्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई, या फिर हमेशा लॉयल्टी इशू रहा है, लॉयल्टी मेजर फैक्टर हो सकता है यहाँ पे, और शायद वो ही यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो, इशू भी हो, जिस वजह से आप बहुत ही मेंटली अपसेट, अपसेट नहीं, थोड़ा सा रेस्टलेस से हो, कि क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि है भी कि नहीं, कि इंसान लॉयल है कि नहीं है, अभी आप वो कंक्लूजन तक भी नहीं पहुंचे हो, वो निष्कर्ष तक भी नहीं आप पहुंच पाए हो, क्योंकि आपको आपके सामने सारी पिक्चर है नहीं अभी। यस, सो कैंसर, ये थी आपकी नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरी वीडियोस पे, बताएं मुझे क्या पसंद आया, क्या रेजोनेट किया, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इमरामा टैरो, और मुझे हेल्प करें ग्रो करने में। ओके, थैंक यू, बाय।